सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। एटीएम मोबाइल वैन का उद्घाटन, मेरठ में एटीएम मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि एटीएम मोबाइल बैंक से जनता को, खासकर ग्रामीण इलाके की जनता को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ये वैन हर जगह जाएगी और कोई भी कस्टमर आसानी से अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये मेरठ की पहली एटीएम मोबाइल वैन है जिसकी शुरुआत जिला सहकारी बैंक ने की है। जब हमारे संवाददाता ने वैन की वर्किंग के बारे में पूछा तो एटीएम मोबाइल वैन किस तरीके से काम करेगी और क्या शेड्यूल रहेगा, तो उन्होंने सारा जवाब मजाकिया अंदाज में गोलमाल तरीके से दिया। जब बात सुरक्षा की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक हम और आप एक नहीं होंगे तब तक सुरक्षा नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं खुद मंत्री जी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा रही है और वो व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। सारा संचालक मंडल जो यहाँ पर मौजूद है, अन्य सभी सम्मानित जो इस बैंक से संबंधित हैं, इस बैंक से जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम तो मैं मंत्रीपाल जी आपको, आपके संचालन मंडल को, आपके सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि आपने खाते जोड़े हैं, सबसे ज्यादा निवेश आपके पास है, एनपीए बाकी बैंकों की तुलना में कम है और आपके पास वो सब सुविधाएं जो किसी और बैंक को,